नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आपकी हेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नवजात बच्चे की रोने की वजह क्या होती है। दोस्तों, कई माओ को पता नहीं लगता कि उनका बच्चा किस वजह से रो रहा है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल आपकी हेल्थ को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शिशु बड़ों की तरह बातें नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने रोने से और आंसुओं से सब कुछ बयान कर देते हैं। बच्चे हमेशा अलग अलग परिस्थितियों में रोते हैं। वैसे तो माँ को पता होता है कि बच्चा क्यों रो रहा होता है, पर कुछ नई माओं को यह पता नहीं होता कि बच्चा क्यों रो रहा होता है। इसीलिए आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे आप अपने शिशु के रोने की वजह तुरंत जान पाओगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं वह कौन सी बातें हैं जिनसे हम शिशु के रोने की वजह जान सकें। नंबर एक दोस्तों, भूख लगने पर। दोस्तों, जब बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा अंगूठा चूसने लगता है, साथ ही साथ एक समान आवाज़ में रोने लगता है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि बच्चे को भूख लगी है। नंबर दो दोस्तों, चोट लगने पर। दोस्तों, अगर बच्चे को चोट लगी है तो वह घबराहट के साथ चीखे मारता हुआ रोएगा। इससे आप पता लगा सकते हो बच्चे को कहीं ना कहीं चोट लगी है। नंबर तीन दोस्तों, नींद। यह तब होता है जब बच्चा चिड़चिड़ापन महसूस करता है, वह बहुत थक गया होता है। इसके अलावा वह किसी की गोद में न आना चाहता है, तो समझ लीजिए कि बच्चे को नींद आई हुई है, वह सोना चाहता है। नंबर चार दोस्तों, बीमार। जब बच्चा बीमार हो तो लाल और थका हुआ नज़र आता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चा बीमार है। नंबर पाँच दोस्तों, खेलते समय उधम मचाने और पूरी तरह से मस्ती करने के बाद जब बच्चा रोए तो शायद उसे किसी शांत जगह पर जाना है। रोते समय वह अपनी आंखों को पोछेगा, चेहरे को छिपाएगा और इधर उधर हिलने लगेगा।